विद्या ददाति विनयम् विनया दयाति पात्रताम् पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्मम् ततः सुखम्। उस श्लोक का मैं आपको सही क्रम में दे रहा हूं, इसको संस्कृत में अन्वय कहा जाता है। विद्या विनयम ददाति, विनयाद पात्रताम याति, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनात धर्मम प्राप्नोति और ततः धर्मात सुखम आपनोति। अब इस श्लोक का हिंदी में सरलार्थ देखिए। विद्या मनुष्य को विनम्रता देती है, अर्थात विनम्र बनाती है। विनय से मनुष्य योग्यता को प्राप्त होता है, योग्यता से धन को प्राप्त करता है, धन से धर्म प्राप्त होता है, उस धर्म से सुख प्राप्त होता है। तो बंधुओं, अब इसके भाव को आप आत्मसात करिए। मनुष्य के लिए विद्या अर्थात ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना खाना पीना व श्वास लेना। जिस तरह हम अन्न पानी और हवा के बगैर जी नहीं सकते, उसी प्रकार बिना ज्ञान के जीवन मृत्यु के समान होती है। विद्या से ही मनुष्य में मनुष्यता आती है और मनुष्यता की पहचान व्यक्ति के चरित्र से होता है। अच्छा चरित्र मानव को आगे बढ़ाता है, दूसरों से जोड़ता है, लोग उसे पसंद करते हैं, उसे गुणवान बनाते हैं। गुणवान व्यक्ति सब जगह सम्मानित होता है, खुद भी सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी रखता है। इस श्लोक का यही भाव है कि जीवन में सुख का आधार विद्या है, अतः मन लगाकर अनुशासित रहकर विद्या ग्रहण करना चाहिए।